हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी बज रहा है सुबह के 5 और मैं अभी इसी टाइम पे उठता हूँ क्योंकि मुझे सुबह में कुछ ट्रेनिंग कराना होता है 6 बजे से। तो मेरे पास 1 घंटे होते हैं फ्रेश होने के लिए और नाश्ता करने के लिए। अभी तबीयत कल से थोड़ा ठीक है, बस गला में थोड़ा सा खराश रह रहा है। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 गिलास गर्म पानी और उसके बाद रूम वूम ठीक करके तब चलते हैं। मैंने प्लास्टिक की बोतल में पानी पिया है तो आप गलत नहीं समझ लीजिएगा, ये BPA फ्री बोतल होता है। तो कभी भी सस्ते क्वालिटी के चक्कर में आप भी नहीं खरीदिएगा, आज आपको बता देता हूँ। तो शायद दिखेगा नहीं पर ये रिसाइकल का ये साइन देके इसके अंदर जिस पे 5 लिखा होता है ना, वो सबसे अच्छा क्वालिटी होता है प्लास्टिक का। और इसमें आप यूज़ कर सकते हो अपने खाने का चीज़ या फिर पीने का चीज़ स्टोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। और गर्म पानी पी के अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है आज तबीयत ठीक हो जाएगा। और मेरा नाश्ता भी तैयार है, ये शेक मैं सुबह में लेता हूँ। ये क्या खाता हूँ इसका फुल डिटेल वीडियो मैंने बनाया था कि कैसे बनाता हूँ, तो वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और एक स्पेशल चीज़, मैं जब कभी भी कुछ भी खाता हूँ तो ऐसे ही नहीं खा सकता। अगर मैं नाश्ता या खाना लेके बैठूँगा तो वहाँ पे मैं कोई भी क्लिप एक छोटा सा मिल जाता है, लगा के बैठ जाता हूँ मैं, वो देख के ही कुछ भी खाता हूँ, छोटा मिलो या बड़ा। मैंने अभी नाश्ता कंप्लीट करा और बाहर जाके देखा तो अभी बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी। और कल तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मैंने ट्रेनिंग गैप करा था और आज बारिश की वजह से गैप हो गया, 2 दिन रेगुलर गैप। और अभी मैं जिनको ट्रेनिंग कराने जाता हूँ उनके बारे में मैं बता दूँ, उनका नाम सर गुप्ता है और वो असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पे है। उनका एक जो स्टॉक्स पे एक अच्छा, मतलब बहुत अच्छा मोटिवेशनल वीडियो भी है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। धीरे धीरे अपने दोस्तों से, अपने क्लाइंट्स से कोशिश करूंगा आप लोगों को सबसे मिलवाऊं। और अभी आज हम सोच रहे हैं कि मतलब जैसे ही बारिश छूटेगा तो हम जाएंगे जिम। कितना काम हुआ है, पिछली बार गए थे वो वीडियो अभी आपको दिखाते हैं, इस बार जाके देखते हैं कि काम कितना फाइनल हुआ है। ऐसे जनवरी में प्लान था ओपन करने का, वही जिम है जो पहले था, लेकिन पहले येल्लो सेटअप था, अभी रेड सेटअप है। आप लोग ये वीडियो देखिए। तो अभी यहाँ पे काम चल रहा है, अभी सिर्फ साइड का मैट लगा है और वॉलपेपर कंप्लीट हुआ है, कलर भी पूरा चेंज हो गया है। पहले येलो मशीन था जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो येलो पिलर्स थे, अभी रेड मशीन आने वाला है इसलिए पूरा रेड पिलर है। और जिम का स्पेस भी थोड़ा सा बढ़ा है, पहले आपके जिम में आपने नोटिस करा था इतना स्पेस नहीं होगा। वैसे जिम के काम में उतना टाइम लगने नहीं वाला था, बट हमारे यहाँ इस मंथ को, मतलब हाफ दिसंबर से लेकर हाफ जनवरी तक, मतलब 14 जनवरी तक इस यहाँ पे खरवास बोला जाता है, इसमें कोई भी नया काम शुरू नहीं करना होता है, तो इस वजह से इतना डिले हुआ है। और वो जिम यहाँ पे देखिए, अगर मेरे जो ट्रेनर है भैया, उन्हीं का जिम है और उनका बहुत सारा काम है इसलिए वो अकेले नहीं कर पाते, तो एक टाइम पे मैं रहता हूँ, एक टाइम पे वो देख लेते हैं जिम। तो ऐसे चलता है, मतलब थोड़ा सा टाइम, मैं भी स्टूडेंट हूँ तो पूरा टाइम जिम में नहीं दे पाता, उनका भी बहुत सारा काम है तो वो भी नहीं दे पाते। ये जो वीडियो आपको मैंने जिम की दिखाई है 1 हफ्ते पहले की है, सॉरी मैं आज जिम नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आज भी रेस्ट ले रहा हूँ क्योंकि शाम को मुझे वर्कआउट भी करना है। एडिट कर ही रहा था, करने ही जा ही रहा था, तभी एक ऐसा न्यूज़ देखा कि दिमाग ख़राब हो गया। अभी जिम बन ही रहा है, अभी शुरू करने का सोच ही रहा है इंसान, तभी देखा मैंने कि लॉकडाउन 3.0 दिल्ली में शायद जिम्स बंद हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, बट दिल्ली में जिम्स बंद हुए हैं और सबसे पहले कुछ भी होता है तो जिम्स ही बंद होते हैं। तो अब डर लग रहा है कि फिर से ना बंद हो वरना सारा काम चौपट हो जाने वाला है। वर्कआउट छूटने से सिर्फ बॉडी का मतलब नुकसान नहीं होता है, इंसान मेंटली भी स्टेबल नहीं रह पाता है। मैं तो फिर भी कर लेता हूँ और सारे लोग नहीं कर पाते हैं, मुझे तो बस मतलब खाली जगह भी मिल जाए तो मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लेता हूँ। फिलहाल मैं कभी गांव जाऊंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने बिना मशीन का या बिना जिम का मैं वर्कआउट कैसे कंप्लीट करता हूँ, बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वर्कआउट अच्छा नहीं होता है। अब ये स्टार्टिंग फेज़ है मेरे ब्लॉगिंग का, मतलब पहले बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूँ बट ब्लॉग टाइप का वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया है ऐसे लेके, तो मैं बाहर के वीडियोज़ भी बनाऊँगा, धीरे धीरे बड़ा करता जाऊँगा, इम्प्रूव करता जाऊँगा, लोगों को कनेक्ट करने का कोशिश करूँगा, सारी चीज़ें जितना मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। बाकी ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि इम्प्रूव कर पाऊँ ब्लॉग को, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए।